दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2019 के पहले मुकाबले की। मुकाबला खेला जाना है डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस आईपीएल की सबसे स्ट्रांग टीम जो पेपर्स पर मानी जाती है, वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 हम देखने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा देखें इससे पहले। दोस्तों अगर आप एक क्रिकेट फैन है तो क्रिकेट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप आरएस एंटरटेनमेंट को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ अपनी क्रिकेट नॉलेज से घर बैठे लाखों रुपए कमाने के लिए आप अभी नॉस्ट्रा प्रो ऐप को डाउनलोड करें। और अगर आप इस ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको अभी आपके वॉलेट में 100 रुपए ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि दोनों ही टीम्स की क्या प्लेइंग 11 रह सकती है, क्या प्लेयर्स इनके टीम में शामिल हो सकते हैं, किनको अभी तो प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 को। तो यहां से ओपनर्स के तौर पर रहने वाले हैं शेन वॉटसन और अंबाती रायडू। लगातार इन्होंने अच्छी ओपनिंग करके दिखाई है लास्ट ईयर। शेन वॉटसन लगातार लास्ट ईयर से फॉर्म में है, बिग बैश लीग में अच्छे परफॉर्म करके आ रहे हैं, इसके बाद पीएसएल में अच्छे परफॉर्म करके आ रहे हैं और अब यहां पर आईपीएल में खेलने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर अंबाती रायडू लगातार आईपीएल 2018 से जब से इनका बल्ला चला है लगातार अच्छा परफॉर्म ये करके दिखा रहे हैं। इनके बाद हम मिडिल ऑर्डर को देखते हैं तो जहां पर है सुरेश रैना, इनके बाद फाफडू प्लेसिस और इनके बाद पांचवें नंबर पर इनकी टीम के कैप्टन एमएस धोनी खेलने वाले हैं। अब अगर हम देखते हैं ऑलराउंडर्स को तो ऑलराउंडर्स में भी इनके सबसे तगड़े ऑलराउंडर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर्स हैं जो हैं ड्वेन ब्रावो, केदार जाधव और रविंद्र जडेजा। तो ये तीन इनके टॉप क्लास के ऑलराउंडर्स रहने वाले हैं। इनके बाद अगर हम देखते हैं इनके बॉलर्स को तो बॉलर्स के तौर पर दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और लुंगी एंगिडी। तो इस प्रकार से इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है। चार ओवरसीज की बात करते हैं तो शेन वॉटसन है, फाफडू प्लेसिस है, ड्वेन ब्रावो है और लुंगी एंगिडी है। तो इस प्रकार से इनके ये चार ओवरसीज प्लेयर रहने वाले हैं और एक बैलेंस्ड इनकी परफेक्ट प्लेइंग 11 हमें दिख रही है। वहीं दूसरी साइड आरसीबी की टीम को देखते हैं तो आरसीबी की टीम में कहीं ना कहीं गड़बड़ाते हुए टीम नजर जरूर से आ रही है। ओपनर्स के देखा जाए इनके तो ओपनर्स के तौर पर है पहला ओपनर जो इनका परफेक्ट ओपनर है, इसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, वह है पार्थिव पटेल। इनके बाद अगर हम देखते हैं तो सिमरन हेटमायर हैं, ये दो यहां से ओपनिंग करने वाले हैं आईपीएल 2019 में। इनके मिडिल ऑर्डर में देखा जाए तो सबसे तगड़ा इनका मिडिल ऑर्डर है क्योंकि यहां पर है वर्ल्ड के सबसे नंबर वन के बैट्समैन विराट कोहली, इनके बाद एवी डिविलियर्स। तो इनका मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रांग है। इनके बाद अगर हम देखते हैं तो वो है शिवम दुबे, तो ये नंबर 5 तक तो इनका बैटिंग ऑर्डर काफी स्ट्रांग है। वहीं अब अगर हम बात करते हैं आरसीबी के ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में कौन से प्लेयर्स हैं तो इनके ऑलराउंडर्स के तौर पर है मार्कस स्टॉइनिस है, नेथन कुल्टर नाइल है और वाशिंगटन सुंदर हैं। इनके बाद अगर हम बॉलर्स को देखते हैं तो युजवेंद्र चहल हैं, मोहम्मद सिराज हैं, उमेश यादव हैं। तो यहां से इनकी ये प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब अगर हम देखते हैं क्या इनके रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, मार्कस स्टॉइनिस, ज्यादातर चांसेस यही है कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में ओडीआई सीरीज खेली जानी है जिसके चलते मार्कस स्टॉइनिस शुरुआती के मैचेस में तो ये नहीं खेल पाएंगे, तो इनको रिप्लेस करने वाले हैं कॉलिन डी ग्रैंडहोम। तो वहीं नेथन कुल्टर नाइल की जगह पर आरसीबी की टीम इनका टीम मैनेजमेंट विराट कोहली, टिम साउदी को भी टीम में शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आरसीबी की प्लेइंग 11 रहने वाली है। दोस्तों आपकी क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है दोनों ही टीम्स की कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही साथ पहला मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर से बताएं। और क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस, आईपीएल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप अभी आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। धन्यवाद।